गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। और ये आज सुबह के बज रहे हैं 6 और हम निकल पड़े हैं जयपुर के लिए। जयपुर में हमें एक शादी अटेंड करनी है, थोड़ी सी शॉपिंग करनी है क्योंकि ताराबाई सर की शादी जो है बिल्कुल आ गई है। अब बस कुछ टाइम बाद ही उनकी शादी है, तो हम ये निकल पड़े हैं जयपुर में। और ये पहुंच गए हम जयपुर की मार्केट, घर पे गए और बस जिस मार्केट में आ गए और ये फर्स्ट शॉप पे गए थे। यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं था तो बस इतना ही मैं वीडियो ले पाई यहाँ का। और ये हम पहुंच गए शादी के वेन्यू पे। शेखर के साथ हम आए थे, ये शेखर चल रहा है मेरे मामू सा का लड़का, और साथ में ये जीजा, मैं, जीजा और शेखर हम ही आए थे, बाकी सब हमसे पहले पहुंच गए थे। हम इसका वेट करके एक चक्कर में लेट हो गए। और ये हम पहुंच गए हैं गार्डन में और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन थी और बहुत ही बड़ी जगह थी। आप देख रहे हैं जैसा कि ये बाहर का है इनका, यहाँ पे ये बाहर का था और ये है अब अंदर का हॉल का, जहाँ पे ग्रूम और ब्राइड एक दूसरे को माला पहनाएंगे और सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। बहुत ही सुंदर था ये, इसका नाम था स्वर्ण भूमि। मैं बाहर से नहीं ले पाई इसकी वीडियो क्योंकि हम अंदर आ गए थे पार्किंग में, इस चक्कर में। स्वर्ण भूमि नाम से ये है गार्डन। और इसका अंदर का स्पेस भी मतलब इतना स्पेशियस था ये, बहुत ज़्यादा, मतलब यहाँ पे आप आराम से 2000 लोगों की गैदरिंग कर सकते हैं। और ये अंदर का देखिए कितनी सुंदर डेकोरेशन थी, बहुत ज़्यादा ही, और स्टेज भी बहुत सुंदर था। और बाहर सारा खाने का था और अंदर ये जो है दूल्हा दुल्हन के लिए अरेंजमेंट था बहुत ही। और फिर ये आ गए हम स्टॉल्स पे खाने के लिए। ये बस हम अभी एक्सप्लोर कर रहे थे क्या क्या है, मैं और मेरी सिस्टर, तो हम यहाँ बेवरेजेस पे पहुँचे। तो यहाँ पे हमने ये जूस पिया था, बहुत ही टेस्टी था। देन उसके बाद हम पहुँचे, ये थी वहाँ पे दौलत की चाट, जो कि मैंने दिल्ली में रह के कभी नहीं खाई, मेरा मन ही नहीं करता था, वहाँ जाके मैंने खाई। तो फिर उसके बाद में थोड़ी सी वीडियो बनाई, ये देखिए दिखा रही थी मैं आप लोगों को कि मैं वहाँ। ओह, इतना सब कुछ बोला, रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। सो गाइस, हम आ गए हैं वापस दिल्ली। ताराबाई सर को हम जबरदस्ती ले आए हैं शादी में, आना नहीं चाहते थे बट हम ले आए और बस अब चल रहे हैं। ठंड में देखो, फैशन के दौर में ठंड की चिंता नहीं करने वाले लोग हैं हम, है ना दीदी? यस यस, गर्ल्स को ठंड तो लगती नहीं है, बिल्कुल नहीं लगती, बिल्कुल नहीं लगती। तारा भाई साहब तो ऑफ मून में आए ना, इसलिए ये करके आए, पहन के आए, नहीं तो ये भी फैशन में आते। और यहाँ मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई जिसमें मेरा पूरा गेटअप आ जाए, मेरा लुक आ जाए, मेरी ड्रेस वगैरह सब दिखे। और मैं बता रही थी कि खाना कितना टेस्टी है यार। देन हमने खाया ये वेज मंचूरियन, ग्रेवी और राइस। और उसके बाद मैं चल पड़ी डेजर्ट की तरफ अटैक करने के लिए क्योंकि डेजर्ट मेरा फेवरेट सेक्शन है। तो मैं और मेरी सिस्टर ताराबाई सा हम वहाँ पहुँच लिए और हमने स्टॉल्स सारे निपटा लिए थे खा पी के, और ये डेजर्ट की तरफ आक्रमण करने हम चले गए। बहुत ही मतलब राजस्थान में ना मुझे डेजर्ट का सेक्शन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा। और ये भर ली हमने अपनी पूरी प्लेट, एक कम पड़ी तो दूसरी प्लेट भी ली। और इसमें मैंने और ताराबाई सा के दोनों के लिए डेजर्ट ले लिया है। थोड़ा 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 हम सब खाएंगे, वो तो सिर्फ नाम का खाएंगे, खाने वाली मैं हूँ, मुझे बहुत पसंद है स्वीट्स, आई लव स्वीट्स, मतलब मैं खाना छोड़ सकती हूँ पर मीठा नहीं। ये इतना डेजर्ट खा रहे हैं, देखो पेट में खाना खाने की तो अब जगह है नहीं, खाना नहीं खाएंगे इसलिए डेजर्ट भर भर के खा रहे हैं। डाइट पे है, डाइट पे है। कौन डाइट पे है? देवेश भाई साहब। हाँ, देवेश भाई साहब तो अब कल से डाइट पे आएंगे, अभी तो बस जिमण पे है। डाइट वालों का हाल है तो कोई बात नहीं, कम जैसे करा है अभी ज्यादा नहीं हुआ है, वापस कम हो जाएगा, टेंशन नहीं है। कहना चाहोगे कुछ? बोलना चाहोगे कुछ? 60 किलो वजन कर लो, हो जाएगा 60 किलो, करनी पड़ेगी मेहनत। 63 तो मैंने कर दिया था, हमें दोबारा करूँगी। देखना मेरा 82 था वेट, उससे मैं ले आई 63 पे, अब थोड़ा सा बढ़ गया, 1-2 किलो वापस करूँगी, देखना। ये है नानी सा, नानी सा भी आए हैं शादी में। नानी सा हाय हेलो कर दो सबको, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये हम जबरदस्ती नानी सा को लेकर आए हैं, है ना? हम जा रहे हैं, अब जयमाला हो रही है तो नानचा को लेके जा रहे हैं। नानचा को ठंड में परेशान किया है आज, पर अकेले रहते घर पे क्या मतलब, है ना भाई नानचा? और क्या, बाहर आए, लोगों से भी मिले, अब चल रहे। हाँ,
और ये हो गई एंट्री ब्राइड की। दूल्हा तो पहले ही बैठा हुआ था ऊपर और ये आ रही है दुल्हन। वैसे मैं इस शादी के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये शादी मतलब एक स्पेशल शादी है क्योंकि इसमें क्या है ना, जो लड़की वाले हैं वो है राजपूत और जो लड़के वाले हैं वो है ब्राह्मण या फिर महेश्वरी बनिए। तो इसमें देखो दो कल्चर आपस में मिलके एक जगह पे मिले हैं तो कुछ अलग ही देखने को मिला। तो ये जो है ये राजपूत ब्राइड है बट इनके साइड वाले राजस्थानी ड्रेस में हैं, ये पूरा प्रॉपर जैसे महेश्वरी या उनके में होता है। तो ये भी देखने के लिए कुछ नया था, बहुत ही अच्छा लगा कि दो कल्चर एक साथ मिले हैं। आजकल लोगों की जो थिंकिंग है वो इतनी डेवलप हो चुकी है कि मतलब पहले राजपूतों में इतना नहीं होता था कि अदर कास्ट में आप शादी करें, बट अब जो है सब हर चीज़ अडॉप्ट करने लग गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा लगा देख के वहाँ पे, और इतने सारे राजपूती ड्रेसेस में थे लोग तो बहुत अपनापन भी लग रहा था और एक नई चीज़ देखने को भी मिली। तो मुझे बहुत अच्छी लगी शादी और हमने बहुत इन्जॉय किया। और ये देखिए आप आजकल क्या मतलब ये बहुत एक टचिंग मोमेंट होता है जब जो ग्रूम है वो अपनी ब्राइड को ऐसे ऊपर लेकर आता है, बहुत स्पेशल मोमेंट इन लोगों का होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये देखने में, अपनी शादी याद आ गई मुझे। मुझे हर शादी में अपनी शादी याद आती है, सच बता रही हूँ मैं। तो यहाँ पे भी मैं बस अपने हस्बैंड को मिस कर रही थी, पतिदेव मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। गाइस शादी हो गई है ख़त्म, खा लिया पी लिया मज़े कर लिए हैं, अब जा रहे हैं। ठंड बहुत हो रही है, अब जाके देखते हैं क्या होता है। ठंड में मार दिया है, चलो ठीक है मिलते हैं थोड़ी देर में। सो अब गाड़ी में एडजस्ट हो रहे हैं, फंस रहे हैं और घर जा रहे हैं। ओके गाइस, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के लिए बाय।